Hey guys, how are you all? So, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किम तेंग योंग के बर्थडे को कैसे मनाया गया है इंडिया में. एंड यस, मैं आपको ये बता दूँ कि जो BTS के सबसे क्यूट मेंबर है वी, उनका आज बर्थडे है. सो हैप्पी बर्थडे टू वी. एंड या मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो वी के बर्थडे को इंडिया में मनाया गया है ना, वो ना सिर्फ एक प्लेस लाइक ना सिर्फ दिल्ली मुंबई, बल्कि मल्टीपल प्लेसेस पे अलग अलग वेज में मनाया गया है. एंड मुझे ऐसा लगता है कि जब वी को पता चलेगा कि उनके बर्थडे को इंडिया में इतनी धूमधाम से मनाया गया है ना, तो वी को अपने इंडियन आर्मीज पे बहुत ही ज़्यादा प्राउड होने वाला है. पहले यार, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि आपने वी के बर्थडे को कैसे मनाया है. आप में से काफ़ी क्यूटिपाइज ने मुझे IG पे DM किया है, मुझसे पूछा है कि दी क्या वी आज लाइव आएंगे या नहीं. पहले ये भी मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ. एंड कौन कौन से मेम्बर्स ने वी को बर्थडे विश किया है ये भी बताने वाली हूँ. सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया में BTS वी के बर्थडे को कैसे मनाया गया. तो आपको पता ही है कि वी ने एक सॉन्ग गाया है क्रिसमस ट्री लास्ट ईयर, उसे इंडिया में प्ले किया जाएगा दिल्ली मुंबई चेन्नई एंड बेंगलोर में इंडियन रेडियो स्टेशन 94.3 पे. ओके, एंड इसकी टाइमिंग है 5:30 से 6 PM. ओके, तो आप सुन सकते हो. इसके अलावा वी के बर्थडे पे अभी आप ट्विटर पे जाके देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड आपको दिखाई देगा कि तहयोंग्स डे, वार्म कंफर्ट विंटर वी, किम तहयोंग बर्थडे. एंड इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ना, वी के बर्थडे को एक बहुत ही यूनिक वे से कोलकाता में मनाया जा रहा है. वहाँ पे ना जो कोरियन फूड है उसे सर्व किया जा रहा है. वी के बर्थडे को किसी ने भी मेंशन किया तो उनके साथ उस फूड के साथ उन्हें एक फोटो कार्ड भी मिलेगा. एंड ये बहुत ही ज़्यादा यमी एंड यूनिक है, शायद ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ है इंडिया में. सो कोलकाता में हमेशा ही कुछ ना कुछ न्यू वे से मनाया जाता है. इसके अलावा लाइक अलग अलग स्टेट में दिल्ली मुंबई एंड कोलकाता बेंगलोर ही जगह अलग अलग वे से वी के बर्थडे को मनाया जा रहा है. मुंबई में LED लाइट्स लगाए गए हैं 29 दिसंबर से 30 दिसंबर. एंड यहाँ पे जो आर्मीज है उन्होंने इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए खुद से ही फंड इकट्ठे किए हैं. इसके अलावा ट्विटर पे आप जाके देख सकते हो, आर्मीज ने अपने अपने वे से वी के बर्थडे को वी को विश किया है उनके फोटोज के साथ एंड मेंशन किया है कि हम इंडियन BTS आर्मीज है. तो आप मुझे कमेंट में बताओ कि आपने वी के बर्थडे को कैसे विश किया है. इसके अलावा आपका जो क्वेश्चन है क्या वी लाइव आएंगे, तो आई थिंक वी लाइव आ सकते हैं, लेकिन हो सकता है वी लाइव ना भी आए, बिकॉज हमें पता ही है कि जिन अभी मिलिट्री सर्विस में गए हैं तो इसकी वजह से बहुत से BTS मेंबर सैड है एंड वी खुद से भी बहुत ही ज्यादा सैड है. लास्ट ईयर तो आपको याद होगा तो जिन ने जो वी की फोटो लगाई थी हैप्पी बर्थडे बोल के. इसके अलावा जे होप ने वी के बर्थडे को विश किया है. एंड आप मुझे कमेंट में बताओ कि आपने वी के बर्थडे को कैसे मनाया. थैंक यू, बाय.